पाकिस्तान में वापडा का खस्ता निज़ाम और उनके ऑफिस में धक्के खाने के डर से आज तक ज़्यादातर पाकिस्तानी अपने बिजली के बिल में मौजूद पेचीदा हिसाब किताब देखकर घबरा जाते हैं और एक शरीफ मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान इसी घबराहट में आज तक इन अहम बातों से लाइल्म रहा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि एसी की बहुत सी इकसाम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि कौन सा एसी ख़रीदा जाए। लिहाजा हमारे पास एसी बेचने वाले सेल्समैन की बातों पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और हम सेल्समैन के जाल में फंसकर एक ऐसा एसी ख़रीद बैठते हैं जो शायद हमारी ज़रूरियात के हिसाब से इकोनॉमिकल नहीं होता। आज हम आपको बताते हैं कि आपको अपने कमरे के साइज़ के हिसाब से कौन सा एसी लगवाना चाहिए जो कूलिंग भी अच्छी कर सके और बिजली भी कम से कम खर्च करे। हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल साइज़ के रूम से जिसका साइज़ 15 बाय 15 होता है। इस रूम के साइज़ के हिसाब से 1 टन का इन्वर्टर एसी बिल्कुल परफेक्ट रहता है, लेकिन आप इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रख लें कि कमरे में गर्माइश छोड़ने वाली कोई भी मशीन मसलन फ्रिज, फ्रीज़र वगैरह मौजूद ना हो और धूप को रोकने के लिए बाकायदा पर्दे भी लगे हों। पेचीदा कैलकुलेशंस हटाकर अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो 1 टन का इन्वर्टर एसी पूरे 1 घंटे में 1160 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, वो भी सिर्फ उस सूरत में जब एसी पूरा घंटा अपने पीक पावर पर चल रहा हो। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर एसी 26 डिग्री के टेम्परेचर पर चल रहा होगा तो अंदाज़न 20 मिनट के बाद इन्वर्टर अपना असल कमाल दिखाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता कम पावर कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अगले 20 मिनट में 1 टन का इन्वर्टर एसी सिर्फ 400 वाट्स पे ऑपरेट होता है, जिसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 400 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अब सवाल ये उठता है कि 1 घंटे में आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर के कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। उसका भी सीधा सीधा और सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसी वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी आप देख सकेंगे। वापडा के इलेक्ट्रिसिटी मीटर का 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वॉट आवर के, मतलब अगर 1000 वॉट 1 घंटे तक चलते रहें तो 1 यूनिट काउंट होता है। लिहाजा अगर आपका एसी 400 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में आपके 0.4 यूनिट खर्च होंगे। वापडा के घरेलू सार्फिन के टैरिफ के हिसाब से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए 10.2 रुपीज़ यानी कि 10.2 रुपये 1 यूनिट का रेट है, मतलब 0.4 यूनिट के तकरीबन 4 रुपये 8 पैसे बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे आप महीने के कम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे ये रेट भी कम होता जाएगा। मसलन जिन सार्फिन की कंजम्पशन महीने में 100 से 200 यूनिट्स तक है उनको 1 यूनिट 8 रुपये 11 पैसे का पड़ेगा और यही एसी पूरे 1 घंटे में सिर्फ 3.25 रुपये की बिजली खाएगा। इसी तरह 1 से 100 यूनिट्स कंज्यूम करने वालों के लिए 5.80 रुपये का यूनिट रेट है, जिस पर यही एसी सिर्फ और सिर्फ 2.30 रुपये फी घंटे पर चलेगा। नाजरीन लम्हा फिक्रिया यह है कि पाकिस्तान में कई मेरे और आपके जैसे लोग इन्वर्टर एसी खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसका असल मकसद इस्तेमाल करना नहीं जानते। इन्वर्टर एसी कम बिजली सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में खाता है जब कमरा आपके रखे गए टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका होता है। जब कमरा आपके रखे गए टेम्परेचर पर ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर को यही टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है, जिसके नतीजे में इन्वर्टर कम बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर कमरा एसी की साइज के हिसाब से बड़ा होगा या उसका दरवाज़ा या खिड़की खुली होगी या फिर ऐसा गैर हकीकी टेम्परेचर रखा होगा जो कभी भी एसी मेंटेन नहीं कर पाता, तो इन्वर्टर एसी कम बिजली नहीं खाएगा और अपनी पूरी पावर से चलता रहेगा। गोया इन्वर्टर एसी उतनी ही बिजली खाएगा जितना नॉर्मल स्प्लिट एसी खाता है। आइए अब मैं आपको यही सारी बातें प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ये एक 15 बाय 15 का कमरा है जिसमें ग्री कंपनी का 1 टन इन्वर्टर एसी लगाया गया है। एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के हम देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। चेक करने के लिए हम एम्पेयर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं अभी एसी अपनी फुल पावर पे चल रहा है क्योंकि हमने अभी अभी एसी ऑन किया है और कमरा अभी ठंडा नहीं हुआ। एसी अपनी पूरी पावर पे चल रहा है, ये हमें इस फॉर्मूले के तहत पता चला है। वॉट्स इज इक्वल्स टू एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स। हमें वोल्ट्स का पता है जो कि पाकिस्तान में 220 होते हैं, और एम्पेयर हमने एम्पेयर मीटर से निकाले। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट्स का पता चल जाता है। इस वक्त ये एसी 5.14 एम्पेयर यूज कर रहा है। अब हम एम्पेयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट्स का पता चल जाएगा। 5.14 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट्स, ये होते हैं 1130 वॉट्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक टन के एसी का पीक पावर होता है 1160 वॉट, और ये वैल्यू भी तकरीबन उसके आसपास ही है। लिहाजा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एसी फिलहाल कोई बचत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पीक पावर पे चल रहा है। अब हम रूम के ठंडा होने का वेट करते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं और रूम ठंडा भी हो चुका है। अब एम्पेयर मीटर 1.8 एम्पेयर्स की रीडिंग दे रहा है। कैलकुलेशन के मुताबिक 1.8 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 396 वॉट्स। लिहाजा प्रैक्टिकल से हमारी वो कैलकुलेशन साबित हो गई जो हमने प्रैक्टिकल से पहले आपको निकाल के दिखाई थी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं एक टन के नॉन इन्वर्टर एसी के साथ। एक टन का स्प्लिट एसी भी एक घंटे का 1160 वॉट ही कंज्यूम करता है, लेकिन फ़र्क यह है कि वो चलता है तो अपनी फुल पावर पे चलता है। जब आपके रखे गए टेम्परेचर पे रूम ठंडा हो जाता है तो एसी ट्रिप हो जाता है। टेस्टिंग करने के बाद ये नतीजा निकला कि 26 के टेम्परेचर पे नॉन इन्वर्टर एसी हर 15 मिनट के बाद 7 मिनट के लिए ट्रिप हो रहा था, जिसका मतलब यह हुआ कि एक घंटे में तकरीबन 45 मिनट तक एसी चल रहा था और 15 मिनट के लिए ट्रिप था। कैलकुलेशन के हिसाब से एक मिनट के 19.3 वॉट्स कंज्यूम होते हैं और 45 मिनट के 870 वॉट। यानी जहां इन्वर्टर एसी एक घंटे में 400 वॉट कंज्यूम कर रहा था, वहीं नॉन इन्वर्टर एसी 870 वॉट कंज्यूम कर रहा है, जो तकरीबन पौने 9 रुपये फी घंटा पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर एसी ही खरीदना है। कई लोगों को अपने घर या ऑफिस के ऐसे हिस्से में एसी लगाना पड़ता है जो पूरी तरह से क्लोज नहीं होती या रूम में गर्माइश पैदा करने वाली कोई चीज़ मौजूद होती है। उस सूरत में आप नॉर्मल स्प्लिट एसी ही लगवा लेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। वीडियो के इस हिस्से तक आपको ये अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपके रूम में कौन सा एसी सूटेबल है और कैसे एसी के टेम्परेचर से आप उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन चंद और भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका एसी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है। नंबर 1, आपके स्प्लिट एसी का एयर प्योरीफायर अगर साफ़ नहीं होगा तो उसमें फंसी मिट्टी की वजह से उसमें से हवा गुजरने में मुश्किल होगी, जिसकी वजह से एसी की थ्रो कम हो जाएगी और उसको रूम ठंडा करने में ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा जान लगाने के नतीजे में वो ज़्यादा बिजली खर्च करेगा। नंबर 2, अगर आपके एसी की गैस लीक हो चुकी होगी या गैस की मिकदार कम होगी तो एसी उस सूरत में भी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। नंबर 3, एसी के आउटर फैन में मिट्टी और कचरा फंस जाने की वजह से आउटर यूनिट का फैन स्लो चलता है और वो कंप्रेसर को सही से ठंडा नहीं कर पाता, जो कि ज़्यादा बिजली खाने और रूम ठंडा ना करने का भी सबब बनता है। अब लास्ट में मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आजकल हर घर का मसला है। आपने अक्सर सुना होगा कि बिल ज़्यादा आ गया है या फिर इस्तेमाल उतना नहीं होता जितना बिल आ जाता है, जिसकी वजह होती है वापडा की अपनी 2 नंबरी। जब वापडा को ज़्यादा पैसों की कलेक्शन का टारगेट मिला होता है तो वो 1 महीने की रीडिंग के बजाय 1.5 महीने की रीडिंग लेते हैं। मसलन अगर आपके 1 महीने की कंजम्पशन है 300 यूनिट, जिसका बिल बनता है 3060 रुपये, लेकिन अगर वापडा का मीटर रीडर मुकर्ररा वक्त पर रीडिंग लेने के बजाय 15 दिन या 10 दिन के बाद रीडिंग लेने आएगा तो आपकी महीने की रीडिंग जो कि 300 होती है वो 400 यूनिट होगी, और 100 यूनिट बढ़ने की वजह से आपको अपर स्लैब का रेट पे करना पड़ेगा, जो कि 17 रुपये 60 पैसे है। गोया वापडा ये चालाकी करके आपसे बिला वजह के 740 रुपये ले गया, और इस चालाकी का पाकिस्तान की मासूम आवाम को जर्रा बराबर भी इल्म नहीं होता। इस तरह से वापडा दिन दहाड़े आवाम को चूना लगाकर हर साल खरबों रुपए इकट्ठे कर लेती है, और ये वो पैसे थे जिसकी बिजली ना आपने कभी इस्तेमाल की थी और ना वापडा ने कभी बेची थी। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई मालूमात फ़ायदेमंद लगी हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं।